सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम इस वक्त इलेक्शन बहुत करीब है और इसमें जो मौजूदा आपका इलेक्शन है उसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मंशूर के हवाले से, बयानी के हवाले से, स्टेटमेंट के हवाले से, वादों के हवाले से बहुत सारी बातें कर रही हैं जो रिलेटेड है मईशत के हवाले से। तो ज़ाहिर है आज हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत करीब है इलेक्शंस और निगरान हुकूमत को भी अब काफ़ी अर्सा हो चुका है, काफ़ी काम की बात उन्होंने की थी। मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है और किस अहम मौशी इंडिकेटर्स पे काम हुआ है और आइंदा आगे हम क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त का शो जो है मुकम्मल तौर पर हम मईशत पे बात करेंगे। दो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर माशियात, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। और दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, वो भी माहिर माशियात हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा सर, पहला सवाल डॉक्टर शाहिद हसन से मैं करना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि मुझे मैंने पढ़ा कई जगह सर, अब आप तो माहिर लोग हैं, हम तो तालिबे इल्म सर, कि ये जो किसी भी मुल्क की मईशत की पॉलिसी जो बनती है उसमें अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई बैंकर्स हो, उसका विजन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल, दो साल, तीन साल के लिए होता है, लेकिन माहिर माशियात जो है जब वो बैठकर प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाता है इकॉनमी की, जो कि हम दुनिया में देखते हैं, वो 20 साल 25 साल की होती है। और अगर 20 साल और 25 साल की पॉलिसी बनती है और तसलसल से वो हो तो देखा जाता है कि मुल्क की मईशत में काफ़ी बेहतरी आती है। तो क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में जो मईशत की पॉलिसी बना रहे हैं ज़्यादातर बैंकर्स हैं, उनका विजन, उनकी पॉलिसी का हद 2-3 साल होता है सर? बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो कोई भी आ जाए उस पॉलिसी की मंजूरी तो पार्लियामेंट ने देनी होती है और पार्लियामेंट ये चाहती है, साबका भी, मौजूदा भी और गालिबन आइंदा भी, कि जो भी माशी पॉलिसियाँ बनाई जाएं उसमें नंबर एक इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, कौमी दौलत लूटने वाले हैं, उनके मुफादात का तहफ्फुज हो, चाहे कानून तोड़ना पड़े चाहे आईन को तोड़ना पड़े, नंबर एक। दूसरा ये था कि जो IMF से कर्जा लेना हर हालत में अपना फ़र्ज समझते हैं, पाकिस्तान को IMF के शिकंजे में जकड़ा रहना अपना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि IMF की शराइत की आड़ में, जो IMF की शराइत नहीं होती, आवाम के ऊपर जो है वो टैक्सों का बोझ डाला जाए, बिजली, गैस और पेट्रोल के दर बढ़ाए जाएँ। तीसरा, अमरीका अपना ये चाहता है कि पाकिस्तान को अब IMF के चुंगल में रखा जाए ताकि उसकी जो अपनी पॉलिसियां हैं, कुछ सियासी होती हैं, कुछ दूसरी, वो उनके थ्रू पाकिस्तान के ऊपर नाफिज की जाएँ। चुनाचे तमाम हुकूमतें अमरीका की खुशनूदी के लिए, क्योंकि अमरीका की खुशनूदी से इख्तदार में आया जाता है, इख्तदार को बरकरार में रखा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे मिल जाते हैं, रेमिटेंसेज और दूसरी चीज़ों में भी अमरीका का बहुत बड़ा किरदार है। तो अमरीका की खुशनूदी और ताकतवर तबकों के मफाद के लिए मुल्की और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़, उसके तहत पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, चाहे उससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात हों, चाहे उससे पाकिस्तान की मईशत को खतरात हों, चाहे गुरबत बढ़े, बेरोज़गारी बढ़े, महंगाई बढ़े। और ये तमाम रोज़ रोशन की तरह है और जो मंशूर होता है उसको गालिबन वो पढ़ती भी नहीं है जो पार्लियामेंट में आते हैं, और उस पर अमल करने का कतई कोई इरादा नहीं होता। चुनाचे अगर निगरान हुकूमत के दौर में हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती दोनों के लिए खतरात तेज़ी से बढ़े, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत की कोशिश थी कि ताकतवर तबकों को कानून तोड़ के मरार दी जाए और IMF से हर हालत में किस्त ले ली जाए कर्जे की, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 2024 में
जब पाकिस्तान आईएमएफ के पास एक बड़ी रकम के कर्जे के लिए जाएगा जो दरमियानी मुद्दत का होगा, जिसके तहत निगरान हुकूमत को ये पता था कि आईएमएफ से वो कर्जा भी मिल जाए 2024 में, वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल जाए, दोस्त ममालिक से भी कर्जे मिल जाए, इमदाद मिल जाए, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जों की अदायगी अपने वसाइल से नहीं कर सकता और कर्जे आईएमएफ वगैरह के मिलने के बावजूद हमें एक डिफॉल्ट का खतरा होगा जिसके लिए अमेरिका की मामूनत की जरूरत होगी। और वो उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि हम 2024 में आईएमएफ के पास जाएं और वो कर्जे मिलने के बावजूद अमेरिका से हम कहेंगे, बल्कि कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो अपने पुराने कर्जे अदा नहीं कर सकते, तो आप हमारी मामूनत करें, चाहे उसमें मशरिक वस्ता से मैं झगड़ों में मुलव्वस होना हो। अजय सर, मैं आगे आपसे बात करूंगा, मुझे ज़रा सा आप थोड़ा सा आप बता दीजिए, मैं जाना चाहूँगा इकराम साहब की तरफ। लेकिन शाहिद हसन साहब, मौजूदा इस वक्त मईशत पाकिस्तान की कहाँ खड़ी है और मुख्तसर सा मुझे बताइए इसमें, और इसमें ऐड मैं करना चाहता हूँ कि निगरा हुकूमत ने किस कदर बेहतर मौशी कोई पॉलिसी बनाई है, उनके इकदाम बेहतर हुए हैं कि हमारी मईशत कुछ बेहतरी की तरफ गई है। ये दो सवाल है, लेकिन टाइम हमारे पास ज़रा आपके लिए लिमिटेड है, इस पे ज़रा सा बताएं सर। देखिए, इस साल 3.5% का शरह नमू का हदफ था, और जब ये हुकूमत आई थी तो स्टेट बैंक ने कहा था कि 3% तक शरह नमू होगी, अब ये 2% रहेगी, जो कि भारत से 1/3 है। महंगाई जो कि उन्होंने कहा था कम हो रही है, वो इनके दौर में बढ़ गई। और अगर मैं ये कहूँ कि श्रीलंका से 9 गुना महंगाई है, श्रीलंका में 3.4, भारत में जो है वो 4.9, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 29%, यानी महंगाई बढ़ी, शरनमू गिरी, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी। और हमने देखा कि बैंकों ने अपनी तेज़ रफ्तारी से ऐसे कर्जे दी हुकूमत को कि अब उनको अदा करना मुश्किल है, और उसकी वजह से शरनमू सुस्त हो गई, हमारा बजट खसारा बढ़ा। और सारा जोर जो इनका था वो ये था कि रुपये की कदर को बेहतर बनाया जाए, और उसके लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की बात की गई। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि 12 जुलाई को 276 रुपए का डॉलर था, तमाम कोशिशों के बावजूद आज 279 से ज़्यादा है, ने क्रैक डाउन वगैरह जो भी किए, लेकिन आपका रुपए की कदर नहीं बढ़ सकी। SIFC बना, लेकिन हमारा जो पिछले 23 वर्षों का है, 2 अरब डॉलर के हिसाब से हमारी जो है वो FDI आती थी, इनके दौर में इससे भी कम रहा। उसी तरीके से आप ये देखें कि बिजली, गैस और पेट्रोल के नरखों में बेतहाशा इजाफा हुआ, 40% बच्चे हमारे लोग गरीब हैं, जो कि तादाद बहुत बड़ी है, और 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है स्कूल न जाने की। और इसके दौर में भी इन्होंने तालीम का बजट गिराया, जो कि आईन की शिक 25A की खिलाफ वर्जी है, तालीम का बजट कम करके। अब तो इनको पता है कि हम 2080 तक भी बच्चों को तालीम नहीं दे पाएंगे, तो अगर ये तमाम, और इम्पोर्ट्स हमारी, इम्पोर्ट्स दरामदाद दुगनी है एक्सपोर्ट से, तो आप कभी भी जो है मईशत ठीक नहीं हो सकती जब तक ये दुगनी रहेंगी, बरामदात बढ़ नहीं रही है, और 111(4) के तहत रेमिटेंसेज आती हैं, वो रेमिटेंसेज बेमानी होती हैं, तो हमें खतरा है मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग का भी और बैरूनी कर्जों का भी, और ये पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा है और गुर्बत बेरोजगारी। ठीक है, मैं आगे चल के आपसे ज़रूर बात करूंगा कि गर्दशी कर्जा कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का रेमिटेंस कितना है, पाकिस्तान का रिजर्व इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान की तजारती खसारा इस वक्त कहाँ है, पाकिस्तान कितना कर्जा इस वक्त पाकिस्तान पे चढ़ गया है, ये मुझे आपने बताना है शाहिद हसन साहब। लेकिन मैं ज़रा इकराम साहब की तरफ जाता हूँ। इकराम साहब, टैक्स कलेक्शन, मैं शायद वज़ीर आज़म साहब की एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था कि 10 जो है वो ट्रिलियन जो है वो आपके टैक्स कलेक्शन की जो है वो आपके हम नहीं लेते हैं पाकिस्तान में, और शायद 9 समथिंग जो है वो टैक्स कलेक्शन होता है, और हमारा अदब जो है वो शायद 14 या 15 है, तो अगर ये शामिल हो जाए तो 6 ट्रिलियन तकरीबन हमारा जो है वो सरप्लस हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट उनकी सही है, मैंने सही पढ़ा है सर? जी शुक्रिया दानिश साहब, मेरा ख्याल है कि बजट जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देती है वफाकी हुकूमत, जिसे मेन टैक्स की हमारी वहीं से आता है सारा पैसा, वो पिछली दफ़ा तो उन्होंने 7.1 ट्रिलियन किया, इस दफ़ा उन्हें हदफ 9.4 ट्रिलियन का मिला था, और ख्याल ने शुरू में कहा गया कि आप कम से कम 10 ट्रिलियन कर दें तो इससे कुछ मसाइल हल होंगे, क्योंकि हम IMF को कह सकेंगे कि जो हमने प्राइमरी सरप्लस की बात की थी वो हमने पूरी कर दी है। अगरचे शरह नमू जो टैक्सों में बेहतर हुई, मगर अगर महंगाई की शरह को देखा जाए और पाकिस्तान के अंदर जो बेशुमार मराद दी गई हैं
और टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं अगर उनका हजम देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि एक तो हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बार की तरफ इशारा करना चाहिए कि ये FPR जो है अपनी जो पोटेंशियल है पाकिस्तान सा उसके तो आधा भी टैक्स इकट्ठा नहीं करता है। उसके में मैं ये नहीं कह रहा कि महज उन्हीं की वजह से है क्योंकि हम टैक्स एमनेस्टीज भी देते हैं और जैसे मैंने अर्ज किया कि सारे टैक्सेस के अंदर जो हमने मुख्तलिफ मराद दे रखी हैं अगर उनका टोटल किया जाए तो वो भी अब 2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो असल मसला तो ढांचे का है कि पहले तो आपने देखा है तंजीम नौ की कोशिश हुई और इस दफ़ा तो SIFC ने कहा था कि ये हो जाए और उसका फैसला 3 जनवरी को भी कर दिया गया मगर ताहाल नहीं हुआ। और ये पहला मरहला है कि जहाँ पे हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में देखा कि टैक्स ऑफिसर्स ने SIFC के फैसले को भी बिल्कुल रद्द किया और अब तो वो उसकी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं कि जी ये एक जो निगरान हुकूमत का काम ही नहीं है इस तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करना और उनका काम है डे टू डे करना। अगर अमीर और गरीब में भी फ़र्क, मैं कोशिश करूंगा ज़रा आम लफ्ज़ों में आवाम तक ये बात पहुँचाऊँ जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको अवॉइड करूँ कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है सर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो हमारे टैक्स का ढांचा है वो इस तरह का है कि वो गरीबों पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स उनकी आमदन के हिसाब से लेता है और जो अमीर लोग हैं उनसे बहुत कम टैक्स वसूल करता है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो मराद दी गई हैं बड़े बड़े लोगों को वही मैंने अर्ज किया कि 2 ट्रिलियन से तो कम वही नहीं है। फिर इन्फोर्समेंट की भी कमी है कि बेशुमार लोग जिनके पास बेशुमार गाड़ियाँ हैं बड़े बड़े बंगले हैं और वो टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि टैक्स एमनेस्टी तो हमारा हक बन चुका है क्योंकि एक एक साल में पिछली हुकूमतों ने किसी ने 4 मरतबा किसी ने 3 मरतबा और कई दफ़ा तो माशाल्लाह 5-5 मरतबा भी दी गई हैं। तो जब ये कल्चर बन जाए तो जाहिर है कि यहाँ का जो सबसे वो तबका जिसके पास दौलत भी सबसे ज़्यादा है और वसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान के टैक्स टू GDP में हार्डली 2% भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो 18% सेल टैक्स हर चीज़ पे अदा कर रहे हैं, जो आम खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो आम इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं उनके लिए। तो इस तरह ये रियासत का ढांचा जो है ये मुकम्मल तौर पर अमीरों को तो उनकी दौलत में इजाफा करने की तरफ जो है वो हर तरह की मदद कर रहा है और गरीबों को गरीब तर करता चला जा रहा है। अच्छा सर ये बताइए कि क्या ये जो ज़रात पर, वैसे तो एक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं होती, इस पर ज़रा सा मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, ज़रा आपसे स्टार्ट ले रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि रियल इस्टेट्स पे हम देखते हैं कि टैक्स नहीं है जनाब, ट्रेडिंग पे टैक्स नहीं है, सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स नहीं है, इतने बड़े बड़े वकील हैं पैसा लेते हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं होता है। दूसरा ये है कि ज़रात पे, ज़रात की इनकम पे टैक्स नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ज़रात की इनकम पे टैक्स लगाया था जिसे ज़ियाउल्लाह साहब ने आकर शायद ख़त्म कर दिया था और आज तक वो चीज़ कंटिन्यू है, क्या ये बात सही है सर जी? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो सूबों का वैसे सब्जेक्ट है मगर एक दफ़ा कोशिश ज़रूर हुई 1977 में कि इसको वफाकी सब्जेक्ट बनाया जाए और वो आपने जो सरमाया कि ये 1 जुलाई को फैसला हुआ था और 5 जुलाई को मार्शाला लगने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। सूबे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इकट्ठा करें क्योंकि अगर आप देखें तो सारे सूबे मिल के जो पाकिस्तान के टैक्स टू GDP में 1% की भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते, 0.8% और एग्रीकल्चर तो ना होने के बराबर वो इकट्ठा करते हैं। यही वजह है कि वो बड़े बड़े जगीरदार आप देखते हैं उनको इलेक्टेबल कहते हैं, वो असम्बलियों में आते हैं और इस बात का पूरा अहतमाम करते हैं कि कानून बन भी जाए तो उसकी कोई वसूली करने की जरूरत ना करें। और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जाहिर है कि अगर वो तबकात जो दूसरों पे टैक्स लगाते हैं वहाँ बैठकर FVR के बनाए हुए जो उनके पास बिल्स आते हैं जिसमें गरीबों को टैक्स लगाए उसको तो बड़ी आसानी से पास कर देते हैं बगैर पड़े हुए, और जब अपने ऊपर टैक्स लगाने की बात आती है तो उस तरफ तो उनको आने भी नहीं देते FVR को। तो इस दफ़ा भी जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अक्सर जो टिकट होल्डर हैं बड़े बड़ी सियासी जमातों के वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं। मैं आगे आऊँगा, ज़रा डॉक्टर शाहिद हसन की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या IMF की ही वजह से सिर्फ महंगाई है? एक तो ये सवाल है सर, दूसरा IMF से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, इस पर भी थोड़ा सा आप बता दीजिए।
और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के बारे में कहा गया था कि तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी आईटीज पे, मादनियात पे, ज़राअत पे, ये कहाँ हुई, इसका क्या इस वक्त स्टेटस क्या है सर? देखिए, SIFC की जो हिकमत अमली थी वो बिल्कुल गलत थी। उसकी वजह ये है कि पहले उनको माशी आशारियों को ठीक करना था जो कि बिगड़ते चले जा रहे हैं। जब आपके माशी आशारिये ख़राब हैं, उनको ठीक करने के बजाय आप दुनिया के पास, मुल्कों के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप हमें बड़े पैमाने पर सरमाकारी कर दें। और 125 अरब डॉलर की बात थी, तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये सरमाकारी नहीं आएगी, और जो थोड़ी बहुत आएगी उसको आप कहेंगे परेशान कुन सरमाकारी, वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ होगी। जैसे रिकॉर्डिंग में वो तो आप जुर्माना से बचने के लिए लाए थे, अब आप दोबारा कर रहे हैं। नंबर एक तो एक तो हिकमत अमली गलत थी, दूसरे कि निगरान वज़ीर ख़जाना ने काबीना को और SIFC को ये गलत बावर कराया कि हम ये हिकमत अमली अपनाते हैं कि मईशत को बेहतर बनाने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ले जाते हैं और कहते हैं जी 125 अरब डॉलर की सरमाकारी आ रही है और अपने इदारों से कहें कि वो ख़रीदारी करें। उस तरह से स्टॉक एक्सचेंज को आर्जी तौर पर ऊपर ले गए और ये कहा कि जनाब ये जो स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की है ये माशी तरक्की का सबूत है, हालांकि ऐसा कतई नहीं है, माशी तरक्की का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये गलत बयानी करके गलत हिकमत अमली इख्तियार की काबीना ने, वजारत ख़जाना ने, शबशाद अख्तर ने और SIFC ने, वो गलत हिकमत अमली इख्तियार की जिसकी वजह से वो सरमाकारी नहीं आ रही, ना आएगी, अगर आएगी तो परेशान कर। अब दूसरी बात ये थी कि जो टैक्सों की बात हो रही थी, मुझे आप इजाज़त दे दें मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ। इस वक्त जो है हम तालीम और सेहत की मद में जो कमिटमेंट ऑलरेडी मुख्तलिफ हुकूमतें कर चुकी हैं जिसमें ख़ासतौर से PMLN शामिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और किसी हद तक तहरीक इंसाफ, 9,000 अरब रुपया हम तालीम और सेहत की मद में कम मुख्तस कर रहे हैं उस फार्मूले के मुताबिक। दूसरा ये था कि हमारी मईशत जो है हम दस्तावेजी बनाना नहीं चाहते, उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि वो फिर जो आपकी जाली रेमिटेंसेज आती है जिस पर मुल्क चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है 111(4) के तहत, वो हो ही नहीं सकेगा। प्रॉपर्टी जो 10 करोड़ की होती है वो 1 करोड़ में रजिस्टर होती है, वो DC का रेट है, वो भी हम बदलना नहीं चाहते। 40,000 अरब रुपये से ज़्यादा काला धन है, तो ये मईशत जो है हम तो अब पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के कहते हैं कि ये हमारी मईशत है, दूध में अब पानी नहीं मिलाया जा रहा। तो ये सूरत हाल है कि मईशत को दस्तावेजी बनाना, टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह करना, कोई भी हुकूमत इसके लिए माजी में तैयार नहीं थी, हालांकि उनके मंशूर का वो हिस्सा है और ये नहीं कर सकेंगे। FBR भी नहीं कर सकेगा, फौजी हुकूमतों ने नहीं की, दस्तावेजी मईशत को नहीं बना सके। तो ये हुकूमत जो कि चूचू का मुरब्बा बनने में जा रही है, जो कि नफरत और सियासत की बुनियाद पर आ रही है, और मैं इसलिए बात कर रहा था कि टैक्सों का निज़ाम आप ले लीजिए, तवानाई का निज़ाम ले लीजिए, मईशत का दस्तावेजी का निज़ाम ले लीजिए, तालीम और सेहत ले लीजिए और सो कॉल्ड बैंकारी का निज़ाम ले लीजिए। जो तजारती बैंक्स हैं वो कर्ज़े नहीं दे रहे हैं, वो तो हुकूमत को कर्ज़े दे रहे हैं। और अगर कल को ये कह दिया किसी ने, बल्कि कहेंगे वो कि जब आप बैरूनी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग तो बात कर ही रहे हैं, अब आप अपने मुल्क के कर्ज़ों को भी रीशेड्यूल कर लें। अगर खुदा न खास्ता ये हुआ तो पाकिस्तान का बैंकारी का शोबा, पाकिस्तान का इंश्योरेंस, पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हम अपने पैसे से सूद अदा नहीं कर रहे हैं मुल्क के कर्ज़ों के ऊपर। तो इन तमाम खतरात को नज़रअंदाज करके 40% लोग जो हैं हमारे मुल्क के गरीब हैं, खुद हुकूमत के मुताबिक 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये तो 2080 तक भी नहीं जाएंगे स्कूल, क्योंकि हमारा बजट है 1.8% तालीम का, कमिटमेंट इन्होंने किया था सबने मिलकर 7% का। तो यहाँ पर मैं रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आपने जो अभी मईशत की तस्वीर दिखाई है उसमें तो हम कहाँ खड़े हैं सभी आराम से पहचान सकते हैं। उसके ऊपर इस वक्त जबकि मईशत की ये हालात हैं, सियासी जमातें, एक नहीं कई सियासी जमातें ये दावा कर रही हैं कि हम 300 यूनिट बिजली का बिल जो है फ्री कर देंगे, और दूसरी तरफ हमारा गर्दशी कर्ज़ा, वो भी आप ज़रा हमें बताइए जी। देखिए, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख बढ़ने के बावजूद 40 अरब रुपया महाना के हिसाब से निगरान हुकूमत के दौर में पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज़े में इजाफा हुआ है। अब ये 2551 अरब रुपये का तो आपका गर्दिशी कर्ज़ा है, आपके पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं, दूसरे नुकसान आपने बता दिए, तो क्या किसी को ये एहसास है
कि माहौलियात के लिए आपको 348 अरब डॉलर चाहिए जो आपके पास नहीं है, आपके जो मादनियात हैं, जो बलोचिस्तान है जिसके बगैर मुल्क ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। और सिर्फ हम 23 IMF के प्रोग्राम जा चुके हैं, 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी शराइत पूरी करेंगे। तो क्या हम सिंसियर हैं कि हम वाकई चाहते हैं कि मईशत ठीक हो? क्या माजी में तमाम तीन बड़ी पार्टियों का मैंने देख लिया है कि उन्होंने कभी अभी अपने मंशूर पर अमल नहीं किया, बल्कि उससे 100% इनाराफ किया। 300 यूनिट पे तो तरह से कमेंट्स करें ना, 300 यूनिट जो फ्री कहां से देंगे सर? कोई रोड मैप नहीं है सर, कोई रोड मैप नहीं है। कैसे ना धोखा दे रहे हैं वो, माजी में भी उन्होंने धोखा दिया है, तमाम सबने धोखा दिया है। जो सूबे में पार्टियां आई हैं इख्तियार में वो और तीनों बड़ी पार्टियां, उन्होंने धोखा दिया है अवाम के साथ। मैं एक दफ़ा डिस्कशन टीवी पे कर रहा था और एक जो वजीर खजाना था उनको यही पता नहीं था कि उनके मंशूर में है क्या। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो पढ़ते भी नहीं है, कोई नहीं देने मैंने कह रहा था, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बड़ी पार्टी ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक मईशत दस्तावेजी ना हो, एमनेस्टी आना बंद ना हो और जो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से 1% भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा ब्लैक मार्केट, ब्लैक से रेमिटेंस बढ़ा दो। ठीक, तो ये 100% ही धोखा का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं जरा इकराम साहब से पूछता हूँ। इकराम साहब, वजीर खजाना अमूमन ये चाहते हैं मुआशी बिगाड़ दुरुस्त करने के बजाय शरह मुबादला और शरह सूद से छेड़छाड़ करते हैं, हालांकि इनका टारगेट जो है वो एक्सपोर्ट्स पे होना चाहिए, टैक्स टू GDP पे होना चाहिए, बैरूनी सरमायाकारी पे होना चाहिए, वो नहीं होता, क्या कहेंगे सर? जी दुरुस्त फरमाया आपने। असल में मुल्क को आगे ले जाने के लिए ग्रोथ की, यानी कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी शरह नमू ही इतनी कम है, पाकिस्तान की आबादी देखिए तो दुनिया की अब हम 5वीं बड़ी आबादी के मुल्क हैं, उसके लिहाज से जो हमें अपनी शरह नमू 7-8% तो एक डेकड यानी कम अज़ कम 10 साल के लिए अगर हम कायम रखें तो फिर तो जाकर हम वो नौकरियाँ दे सकेंगे लोगों को जो यूथ को रिक्वायर्ड होंगी, यंग लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। तो वो बेचारे पाकिस्तान में क्यों डिसल्यूशन है? इसीलिए कि तालीम, वो जो बेचारे जैसे भी उनके माँ बाप अपना पेट काट के उनकी तालीम पे लगाते हैं, फिर उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। तो रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे, क्योंकि मैं रियासत का वर्ड आप इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर Article 3 देखें आइन का, तो वहाँ ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सारी किस्म की एक्सप्लाइटेशन को बतदरीज ख़त्म करें। अब पता नहीं 73 से बतदरीज का क्या मतलब होगा, अब हम 2024 में ये बात कर रहे हैं किसने कितनी ख़त्म की, लोगों को रोज़गार दें, उनकी ज़रूरियात पर पूरी करें। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया और डॉक्टर शाहिद साहब ने भी, कि जो हमारे इस वक्त लोग जिनके पास जब कभी उनके पास इकतदार भी आता है तो बजाय इसके कि बेहतरी करें और ख़राबी की तरफ चीज़ों को लेकर जाते हैं, तो बाकी ममालिक में तो ये होगा कि चले उनकी ख़राबी हुई तो फिर बेहतरी की तरफ उन्होंने कोशिश की। हम तो ये सब मिलकर जितने भी सियासी लोग हैं इनका तो एक एजेंडा लगता है कि पाकिस्तान में मज़ीद ख़राबी कैसे पैदा की जाए। तो पहले तो फिर ये बात तय करनी पड़ेगी सबके साथ मिलकर के आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है और या पीछे की तरफ लेकर जाना है। यानी कि ये तो बहुत अफसोसनाक बात है कि ये अपने खर्चे तो बिल्कुल कम नहीं करते हैं, जो कर्जों का जो बोझ हमें नजर आता है ये भी इनकी शाह खर्चियों की वजह से है, ये कोई आवाम की वजह से तो नहीं है ना। तो ये अगर हमारा सूद का यही बढ़ता रहा तो फिर तो हम बहुत जल्द एक वायबल स्टेट भी नहीं रहेंगे, तो खतरे की घंटी तो बहुत पहले बज चुकी मेरा ख्याल है। जितने मजा 300 यूनिट पे आप क्या कहेंगे सर? बड़ी बड़ी सियासी जमातें तो देखिए बिल्कुल, देखिए जितनी महंगी हम बिजली बनाते हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि 300 यूनिट की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी उसकी हम आपको करेंगे, कर्जे से लेकर देंगे, जाहिर है मजीद कर्जे लेने, ये जो कर्ज की मैं पीने की इनको आदत है किसी से शायद हमारी जो है वो सूरत हाल बदलेगी, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो मैं कहता हूँ हो नहीं सकती है कि कोई आदमी ये समझे कि मेरी फाका मस्ती जो है वो एक दिन इसलिए रंग लाएगी कि मैं जो हूँ कर्ज की मैं पीते चला जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि इसका एहसास ना होना। ठीक है, अच्छा सर ये डॉक्टर शाहिद साहब ये बताइए कि एक 2019 में एक एमनेस्टी स्कीम जो कानून बन गई थी और ये कहा गया था कि जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासे जो है जब्त कर लिए जाएंगे, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उसका क्या हुआ सर? देखिए दो टैक्स एमनेस्टी थी, एक जो 2018 में आई थी उस वक्त तो ये कहा गया था और कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उससे उनकी आइंदा नस्लें भी रोएंगी, लेकिन हमारी शमशाद अख्तर साहिबा उस वक्त भी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना थी, उन्होंने आइन को तोड़कर
और उनके लिए टैक्स एमनेस्टी में तौसी करा दी जो सिर्फ पार्लियामेंट का हक था, मगर निगरा वजीर खजाना ने वो काम किया जिसका रिवार्ड उनको अब मिल गया। दूसरी बात ये थी कि ये आज भी निगरा वजीर खजाना हैं, तो अगर उनको, मैंने बार बार ये टीवी पर लिखा और हमारे डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब भी ये बात करते रहे कि जनाब आपके पास इख्तियार है उस कानून के तहत कि जो असासे चोरी के मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिनमें से 41 लाख आदमियों की तफसीलात मौजूद हैं, अगर वो उससे कानून के तहत वसूल करते तो 1100 अरब रुपया एक साल में वसूल होता और बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख जो हैं उसमें इजाफा नहीं करना पड़ता। लेकिन कानून तोड़ा उन्होंने और उस पर हाथ नहीं डाला। आर्मी चीफ ने बहुत कोशिश की कि सोशल ईविल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई हो, उसको भी नाकाम बना दिया गया। बिजली की चोरी रोकने में 590 अरब के नुकसान की बात थी, वो नहीं हो सकी। रुपए की कदर का आपने देखा कि वो नहीं हो सका, वो नाकाम हो गया। और जो नाजायज असासों से पैसे लेने थे वो भी नहीं लिए। क्यों? क्योंकि अशराफिया की मईशत है, कानून भी तोड़ा जाता है, आइन भी तोड़ा जाता है और तोड़ा जा रहा है, आज भी तोड़ा जा रहा है, आज भी अशराफिया की मईशत है। तो ये नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। उसका एक वाहिद रास्ता जो अभी डॉक्टर इकरामुल्लाह बात कर रहे थे, मैं उसको कानूनी पोजीशन आपको बता दूं कि मैं तो एक जुमला कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड पर पहले भी कहा है मैंने कि अगर इंतखाबात से पहले जो बुनियादी असलाहत हैं उनको कानूनी शक्ल नहीं दी जाती तो पाकिस्तान 2024 से ही एक और तबाही का शिकार होगा। पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की मईशत को खतरा होगा, हम अपने बैरूनी कर्जे भी वापस नहीं कर सकेंगे, मुल्की कर्जों को भी खतरा होगा और ये खुदकशी होगी। इंतखाबात से पहले वो असलाहत जो ना फौजी हुकूमत करती है, ना कोई और हुकूमत करती है, ना सूबाई करती है, ना तीनों पार्टियां करती हैं, ना चौथी पार्टी करती है, वो नहीं करेंगे। और अब हमारे गिर घेरा तंग हो चुका है न्यू ग्रेट गैंग के तहत, हमारी सरहदों के खिलाफ, हमारी सालमियत के खिलाफ, हमारी जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ, हमारी आवाम के खिलाफ। ये हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, मैं टू द पॉइंट चंद बातें पूछना चाहता हूँ। इस वक्त सर पाकिस्तान का जो पावर गर्दशी कर्जा है वो कितना है सर, आपने बताना है सर कितना है? 2551 अरब रुपये। अच्छा, दूसरा ये बताइए पाकिस्तान का इस वक्त रिजर्व कितना है, स्टेट बैंक का और जो कमर्शियल बैंक है, दोनों मिला के अलग अलग भी? जी देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो तकरीबन 6 अरब डॉलर कम हैं जो महफूज हद है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो भी 8.7 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं ये हमारे पैसे नहीं है, ये कर्जे का पैसा है। हमारे इंटरनेशनल रिजर्व्स तो मनफी हैं, ये हमारे नहीं हैं। टोटल मिला के 13 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्जे हैं कमर्शियल बैंक मिला के, लेकिन जो स्टेट बैंक के डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो मनफी हैं। ये तो कर्जे का पैसा है जो आपका है, आपने एक्सपोर्ट से तो नहीं कमाया ना, ना रेमिटेंस से कमाया है। अच्छा सर, ये बताया कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो आपके जो इस वक्त ये जो कर्जा है, टोटल कर्जा जो हमने देना है वो कितना है सर? देखिए, लेकिन एक जुमला आप इजाजत दे दें कि 2018 में जो था वो 30,000 अरब रुपए का था और अब 78,000 अरब रुपए का है, यानी जो 71 साल में हुआ था उससे ज्यादा मजमूई कर्जे और मजमूई जिम्मेदारियां जो हैं वो 78,000 से तजावुज कर चुकी है सितंबर में, उसके बाद की अभी पोजिशन स्टेट बैंक ने मुकम्मल नहीं दी है। तो ये जो 48,000 का इजाफा हो गया जो कि 71 साल में नहीं हुआ था, ये कहाँ से अदा करेंगे? इसका सूद भी आप अदा नहीं कर सकते, ये तो आग से खेल रहे हैं। ठीक, ये करप्शन। इसी तरह ये जुमला बताइए सर कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट कितनी हुई है और इम्पोर्ट कितनी हुई है और ट्रेड डेफिसिट हमारा कितना है सर? देखिए, बात ये थी, मैं पहले बताऊँ, 5 साल में पिछले पाकिस्तान ने 251 अरब की इम्पोर्ट, डॉलर की इम्पोर्ट की 291 की, और 130 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, यानी 160 अरब डॉलर का आपने खसारा दिखा के अपनी मईशत को तबाह कर दिया। इस दौरान में अगर देखें तो इस हकूमत ने एक काम ये किया, मईशत के रहमों को सुस्त किया और महंगाई बढ़ा के इम्पोर्ट्स को कम किया, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। तो हमारी जो 6 महीने की है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो 26 अरब डॉलर है और हमारा जो तजारती खसारा है ये कोई 11 अरब डॉलर से तजावुज़ किया है, ये कंट्रोल्ड है, लेकिन उसकी वजह से मईशत की रनमू सुस्त हो गई। जब भी आप मईशत की शरनमू ठीक करेंगे ये इम्पोर्ट्स फिर बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए, क्योंकि मैं आम आदमियों के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि इस वक्त महंगाई एक्चुअल कितना है? कोई 45 कहता है, कोई 60 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 48 कहता है, एक्चुअल महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में कितनी है सर?
ادارے شماریات کے مطابق دسمبر میں ہے 29.7% مہنگائی ہے جو جس میں اضافہ ہوا ہے نگراں حکومت کے دور میں, اور ایک اور سینسٹیو پرائز انڈیکس ہوتا ہے جو شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, وہ حکومت کے مطابق 44% سے تجاوز کر چکا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ ہماری فی کس آمدنی کم ہے اور ہماری مہنگائی بھارت بنگلہ دیش وغیرہ سے سری لنکا سے کہیں زیادہ ہے, تو ہمارے ملکوں میں ہمارے غریب عوام میں زیادہ تباہی بربادی کا سامنا ہے. یہ ناجائز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس جو عوام کے اوپر ہے, وہ اپنے بچوں کو نہ تعلیم دلا سکتے ہیں نہ علاج معالجہ کرا سکتے ہیں, نہ ان کو چائلڈ لیبر کرا رہے ہیں, اسکول سے واپس بلا رہے ہیں. اگر مفت تعلیم بھی دیں, یہ وہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے کہ جس ملک کے عوام اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں, وہ سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا سا آتا ہوں اکرام صاحب. اکرام صاحب, ہم شارٹ ٹرم ریلیف کے چکر میں لانگ ٹرم نقصان اٹھاتے ہیں, ایک تو یہ ذرا سا اس پہ بتائیے کون سا طریقہ کار ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک منظم معاشی نظام کی ضرورت ہے, معاشی نظام کی اس ملک کو ضرورت ہے, منظم معاشی نظام کی جس کا تسلسل جاری رہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ جی, میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ذرا پہلے جو ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے معیشت کا, اگر یہ ایلیٹسٹ ہی رہتا ہے اور یہ جو طبقات ہیں یہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے, کیونکہ اب وہ تباہی کی طرف تو سب کو لے جا ہی رہے ہیں, مگر انہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد وہ پھر خود کس جگہ پر کھڑے ہوں گے. تو ڈھانچے میں تبدیلی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی ڈھانچہ اگر آپ یہی رکھتے ہیں تو پھر کوئی معاشی پالیسی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلا دیکھیں, اس ہمارے ایشیا کے ریجن میں جہاں پہ کوآپریٹو قسم کی باتیں ہوئیں, جہاں پہ ایک لیٹسٹ اکانومیز ٹوٹی, وہاں سب ملک ترقی کر گئے. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ وہ ڈھانچہ جو انگریزوں کے زمانے سے تھا وہ اس زمانے کی ضروریات ان کے لیے ہوں گی, مگر ہم نے اس کو مزید لوگوں کی صورتحال خراب کرنے کے لیے, اب جو ہمارے براؤن صاحب ہیں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو سروسز میں نظر آتے ہیں, وہ اتنے نااہل اور اتنے نالائق تو ہیں ہی ہیں, ساتھ میں بہت ظالم بھی ہیں. وہ اپنے لوگوں کو تو انسان نہیں سمجھتے, وہی تو سمجھتے ہیں کہ یہ رایا ہے ہماری, اور پھر ان کے لیے کوئی معاشی پالیسی بنانا ان کے کوئی مفاد میں ہے ہی نہیں. ان کے مفاد میں ہے کہ وہ کتنی گاڑیاں لیں گے, وہ کتنے پرکوزٹ لیں گے, وہ کتنی یاشیئر کریں گے, وہ کتنے جیو آر کے بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو جیو آر کے 8-8 کنال کے گھر ہیں, 2-2 ایکڑ کے گھر ہیں, بلکہ کئی گھر تو میں نے دیکھے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ آج بھی ایسا لگتا ہے. وہاں میں کئی ججز حضرات کے گھر دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جیو آر کے اندر ان کو 2 ایکڑ کا گھر چاہیے جج صاحب کو, جبکہ ان کو اتنی مراحت اتنی سیلری بھی مل رہی ہے, اس پہ وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اس کے جوڈیشل الاؤنس پہ. تو ایک طرف یہ جو بڑے بڑے ہمارے اس طرح کے اخراجات ہیں, جب تک ہم انہیں کنٹرول نہیں کرتے, پھر اس کا دیکھیے ایک معاشرے میں آفٹر آل جو آپ نے بات کی تھی کہ جو غریب امیر کا فرق ہے, ان لوگوں کو تو اتنی سیلری ملتی ہے کیش میں, پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹ کے خرچے کے اوپر اتنی بڑی بڑی یاشیاں بھی کریں. آپ ان کو ایک مونیٹائز سیلری دے دیں اور انہیں کہیں جہاں جی چاہتا رہیں, جو گاڑی رکھنی ہے رکھیں. اب ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو ملازم بھی پرووائڈ کرے, آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے گھر بھی لے کر دے, اس کے لیے پھر کتنے مالی چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے کتنے اور لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں, وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں کام کریں, پروڈکٹیوٹی بڑھے, ایفیشنسی بڑھے, ہم آگے بڑھیں, شرح نمو بڑھائیں کہ ان طبقات کو پالنے کے لیے سارا ٹیکس بھی اور قرضے بھی انہی کے لیے لے, اور وہ تو بس آپ سمجھے کہ اس کلونیل اسٹائل کا جو ہم نے بنا رکھا ہے اپنا وطیرہ, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم انسانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لاہور جہاں میں بیٹھا ہوں, جیو آر کی آج پرائس نکالے مارکیٹ بیس پہ, یہ نہر سے لگتا ہے, پھر پورے کا پورا آپ دیکھیے ریس کورس کی طرف سے ہوتا ہوا مال سے ہوتا ہوا, اس ایک پورے علاقے سے ہم پورا اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں. تو اس کو آپ 100 ایئر کی لیز پر دیں, اور یہاں بہت بڑی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں, وہ لوگ خود ہی سرمایہ کاری کر لیں گے, اور ریاست یہی کرتی ہے کہ اپنی جو بہترین جگہ ہوتی ہیں ان کو لیز پہ دیتی. نیو یارک کا ماڈل دیکھیں, آپ شکاگو کا دیکھیں, لندن کا دیکھیں, اور پھر وہاں سے ہی سٹی ماڈل سے جو ہے وہ آگے گروتھ بھی ہوتی ہے, لوگوں کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے, اور پرائیویٹ جو کیپیٹل ہے وہ بڑھتا ہے. اب ہم پرائیویٹ کیپیٹل کو بھی اسکویز کر کے گورنمنٹ کی یاشیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے کریں گے, تو پھر تو یہی تباہی آئے گی جو آج آئی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو الیٹسٹ اسٹرکچر کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک, امریکہ سپر پاور جس کا صدر جو ہے ایک ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ جیتتے ہیں کئی سے, اور وہ جب صدارت سے اترتے ہیں تو اس کے بعد وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, کہیں اپنی گزر بسر وہ اپنے جو کہیں کسی اہم
सेमिनार्स में लेक्चर दे के यूनिवर्सिटी में उससे पूरा करते हैं, कहीं वो उनके और उनके रिश्तेदार किसी जगह छोटी जगह जॉब करके कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के दो दो दफ़ा सदर रहे हैं। मैं चाहूँगा तो बहुत डिटेल बता सकता हूँ। मैं आता हूँ जनाब शाहिद साहब, आखिरी जो पॉइंट है वो मैं आप पे आना चाहता हूँ। दो एक मिनट मेरे पास है कि सर हम एक फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क वो ख़त्म नहीं कर पा रहे सर। डॉक्टर साहब, नॉन फाइलर तो कोई होता ही नहीं है, ये तो इस्तेमाल ही गलत है। या अच्छा। तो फाइलर है या मुजरिम है, और तीसरा वो होता है जिसको कि रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी आमदनी कम है। तो हम तो जिसकी आमदनी कम है उसको ना नॉन फाइलर कह के उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं। लेकिन मैं आप ये इजाज़त दे रहे हैं कि अभी भारत ने पाकिस्तानी रुपये 13,000 अरब रुपये फूड और फर्टिलाइज़र की सब्सिडी रखी है, 13,000 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर एक साल में, और हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि यहाँ गुर्बत बेरोजगारी हमारी पॉलिसियों से बढ़ रही है। मुझे याद है अब से कुछ दिहाइयों पहले 100 रुपए पाकिस्तान के होते थे तो भारत के 125 होते थे, हमारा रुपया मजबूत है। आज हमारे 100 रुपए होते हैं तो 30 रुपए भारत के होते हैं, इतना स्ट्रांग हो गया। तो हमें ये होश कब आएगा कि हम अपनी मईशत भी तबाह कर रहे हैं, अपनी सालमियत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने अवाम को भी तबाह कर रहे हैं, सिर्फ अशराफिया की मईशत के लिए, ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए, हुक्मरानों को, पार्लियामेंटेरियंस को और जो है दूसरे इदारों के सरबराहान को। ये खुदकशी है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ है, पाकिस्तान के जोग्राफियाई सरहदों के खिलाफ है, जो साजिशें हो रही हैं। सब कुछ यहाँ होने के बावजूद ना आप अपने महल वकूफ से फायदा उठा रहे हैं ना मादनी वसाइल से। ये आवाम जो है फिर भी वोट देने निकलती है जबकि पता है कि इनके खून भी यही चूसते हैं। मैं ज़रा इकराम साहब बस एक मिनट मेरे पास है, एक डेढ़ मिनट है। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि बिहार में इस्लाहात के लिए मुशावरत की जा रही है, इस्लाहात जो है वो उसकी कुछ कोशिश की जा रही है, रिफॉर्म्स स्कीम बनाने की बात की जा रही है। मसलन अब जबकि ये जा रहे हैं तो क्या ये आप समझते हैं कि माजी में इस पर कोई काम नहीं हुआ और मज़ीद इस पर कुछ काम होना चाहिए? सर एक डेढ़ मिनट है आपके पास, बस एक मिनट। जी, मेरा ख्याल है कि एफ बी आर भी एक थाना कल्चर की तरह नाकाबिले इस्लाह हो चुका है। मैं तो, मुझसे पूछे तो मैं इसको टोटली ख़त्म करके एक नई एजेंसी नेशनल टैक्स अथॉरिटी के नाम से खड़ी करूँ, जिसमें ये SC ST से बिल्कुल लोग ना आए, वहाँ सिर्फ प्रोफेशनल डायरेक्टरी भर्ती करूँ और वो फिर पाकिस्तान की मईशत को भी आगे जाने में मदद देंगे और हम वो टैक्स भी इकट्ठा कर सकेंगे जो हमें हकीकी तौर पर इकट्ठा करना चाहिए। अब बड़ी वजाहत के साथ इसके ऊपर कई साल लिखने के और काम करने के और खुद भी एक जमाने में FBR का पार्ट होने पे, वजह साहब बहुत मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जितना मर्जी पैसा इस पर ज़ाया कर लें, ये भी वही थाना कल्चर है जो यहाँ शहबाज शरीफ ने उनकी तनख्वाहें डबल की, इनको बिल्डिंगें बना कर दी और वो पहले से भी जालिम पुलिस हो गई और फिर जो उसने मॉडल टाउन में किया आपको सबको पूरी दुनिया को पता है जो हो रहा है पाकिस्तान में। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ चाहते हैं, शुक्रिया दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।